रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास को मिला अव्वल नंबर। कई उपलब्धियों की सराहना की गई। ग्लोबल फाइनेंस करीब 100 प्रमुख देशों के विभिन्न केंद्रीय बैंक सहित विभिन्न क्षेत्रों की ग्रेडिंग करती है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 30th October 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास को केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेडिंग मिला है। मतलब साफ है, पूरे विश्व में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भारत के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दुनिया के टॉप रैंक में जगह मिला है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक के प्रयासों को लगातार दूसरी बार सराहा गया है। सोवरेजन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के आधार पर दुनिया के केंद्रीय बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 12वीं स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंशियल पत्रिका द्वारा लगातार दूसरी वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। दास को इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, मतलब मुद्रा स्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के लिए A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार वाशिंगटन DC के ग्लोबल फाइनेंशियल ने दिया है। इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर A और स्पष्ट रूप से विफल होने पर F दिया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल 1994 से केंद्रीय बैंक की सालाना रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करती है। गवर्नर दास को कई उपलब्धियों के लिए सराहा गया है। उनकी उपलब्धियों में विशेष तौर पर महामारी और फिर यूरोप में युद्ध के दौर में बढ़ते ब्याज दर की चुनौतियों से निपटारा शामिल है। दास के कार्यकाल में बैंकिंग क्षेत्र मजबूत हुआ है, लाभ बढ़ी है और स्वस्थ पूंजी कायम रही है। उनके कार्यकाल में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $311 अरब हो गया। रिजर्व बैंक के बीते 5 गवर्नरों के कार्यकाल में दास के कार्यकाल में विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। डॉक्टर YV रेड्डी के कार्यकाल की तुलना में दास के कार्यकाल में $200 अरब अधिक का विस्तार हुआ। 2024 के 11 अक्टूबर तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $68 अरब का शुद्ध इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, इस दौरान भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार संचयित करने वाला देश बन गया है और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत केवल चीन से पीछे था। भारत के पास इतना विदेशी भंडार है कि वह 11.87 महीने तक आसानी से पर्याप्त आयात कर सकता है। यह देश के जून 2024 की समाप्ति पर बाहरी कुल ऋण से 101%। चलिए जाने टोटल एसेट्स के आधार पे टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 फेडरल रिजर्व सिस्टम USA अमेरिका। नंबर 2 पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एशिया। नंबर 3 बैंक ऑफ जापान एशिया। नंबर 5 बैंक ऑफ फ्रांस यूरोप। नंबर 6 नॉर्गेज बैंक यूरोप। नंबर 7 बैंक ऑफ इटली। नंबर 8 बैंक ऑफ इंग्लैंड। नंबर 9 बैंक ऑफ स्पेन। नंबर 10 स्विस नेशनल बैंक यूरोप। तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। हमारे भारत वर्ष के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अपनी पहचान दुनिया में बना रहे हैं। हमारा देश दुनिया में, विश्व में अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है।